तो वहीं दिल्ली जल संकट को लेकर मंत्री आतिशी का अनशन पांचवें दिन खत्म हो गया। आतिशी की देर रात को तबियत बिगड़ गई थी। आप नेताओं ने उन्हें तड़के करीब 3:38 पर LNJP अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार सुबह संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आतिशी का अनशन अब खत्म हो गया है। उनका ब्लड शुगर लेवल 36 पहुंच गया। ये मंगलवार देर रात 43 रिकॉर्ड किया गया था। LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि आतिशी ICU में हैं। वो फिलहाल ठीक हैं। मंगलवार रात को ही उन्हें भर्ती होने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी। बता दें कि आतिशी दिल्ली जल संकट को लेकर 21 जून से जंगपुरा के भोगल में अनशन पर बैठी थी। उनकी हरियाणा से 100 MGD पानी भेजे जाने की मांग है। हरियाणा से संधि के तहत 613 MGD पानी भेजना होता है। आतिशी ने दावा किया था कि हरियाणा सरकार केवल 513 MGD पानी ही भेज रहा है। इसके कारण दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आतिशी जी 5 दिनों से अन्न त्याग करके बैठी हुई थी, अनशन पर बैठी हुई थी। उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टर उनको बार बार कह रहे थे कि आप अपना अनशन तोड़िए, लेकिन कल रात में अचानक उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। पहले LNJP के डॉक्टरों की टीम ने शाम को देखा, फिर अपोलो में उनका ब्लड सैंपल चेक कराया गया, LNJP में ब्लड सैंपल चेक कराया गया और उनका जो शुगर लेवल आया वो 43 आया। उसी समय रात में LNJP के डॉक्टरों को फिर बताया गया। मैं करीब 1:30 बजे के आसपास पहुंचा वहां पे भोगल के अनशन स्थल पे, और हमने बताया कि अभी ब्लड शुगर का जो लेवल है वो 43 है। डॉक्टरों ने बार बार कहा अब आप इनका तुरंत चेक करते रहिए, ब्लड शुगर कितना है इस वक्त कितना है। तो 1-2 बार वहां फिर चेक हुआ, अंतिम जो ब्लड शुगर रिपोर्ट आई वो 36 आई, 36 जो ग्लूकोमीटर में चेक किया गया। डॉक्टरों की सलाह थी किसी भी हालत में इनको तुरंत हॉस्पिटल भर्ती कराना पड़ेगा, वरना आतिशी का जीवन जा सकता है, उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है, उनका जीवन जा सकता है। फिर हम सारे लोगों ने, पार्टी के लोगों ने आपस में बातचीत किया और रात को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास उनको LNJP में एडमिट कराया गया और ICU में उनको भर्ती किया गया। आतिशी जी अभी भी LNJP के ICU में भर्ती हैं। रात में जब गई तो उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उनकी सारी जांच चल रही है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही ICU से आतिशी जी निकले, उनका स्वास्थ्य ठीक हो। LNJP के अंदर ICU में जो डॉक्टर हैं वो उनकी देखभाल कर रहे हैं और आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप दिल्ली के हत्ता पानी दिलवाइए, जो हमारा अधिकार है वो पानी दिलवाइए। बीच में हमारा प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से भी मिला था और उनसे भी हम लोगों ने अनुरोध किया था कि आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत करके इस समस्या का समाधान कराइए। उन्होंने उसी दिन शाम को 4 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, जिसकी उन्होंने मीडिया के माध्यम से सूचना भी दी आप लोगों को। आतिशी जी को आज सुबह 3:48 पर इमरजेंसी में लाया गया और जब उनको हमने एग्जामिन किया तो उनका ब्लड शुगर बहुत कम था और उनको अभी इमरजेंसी ICU में रखा गया है। जब ये एडमिट हुई थी तो उनका ब्लड शुगर 44 था, यूरिन में कीटोन्स थे और वो ड्राउजी थी
और उनके ECG में भी चेंजेस थे, इसलिए उनको आईसीयू में रखना पड़ा। कल शाम को भी हमारी टीम ने वहाँ पर एग्जामिन किया था, उस टाइम भी इनका जो ब्लड शुगर लेवल था कम था और उनको भर्ती के लिए हमने एडवाइज़ किया था, पर उन्होंने लिख के दिया है कि वो भर्ती नहीं होना चाहती। और फिर हमने वेन से उनका ब्लड सैंपल लिया था जिसकी रिपोर्ट रात को 10 बजे आई, तो 10 बजे हमने कहा कि ये काफ़ी डेंजरसली लो ब्लड शुगर लेवल है और कीटोन्स हैं तो ये ख़तरनाक हो सकता है। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं मैं वेट करूँगी, और फिर हमारे डॉक्टर्स वहाँ पर गए और उनको सलाह दी कि आप तुरंत एडमिट हो जाइए। उसके बाद उनके सारे ब्लड टेस्ट किए हैं, अभी मॉर्निंग में सारे जो पैरामीटर्स हैं वाइटल पैरामीटर्स पल्स ब्लड प्रेशर ऑक्सीजन सेचुरेशन वो ठीक हैं, और डॉक्टरों की एक जो टीम है वो उनको कंटिन्यूस मॉनिटर कर रही आईसीयू में देख रहा है, और अभी राइट नाउ सी इज स्टेबल एंड सी इज टेकिंग ओरल फ्लूड्स आल्सो। वी हैव सेंड मोर ब्लड टेस्ट दिस मॉर्निंग जिसमें आरटीआर ब्लड गैस एनालिसिस है, सारे ब्लड्स के पैरामीटर्स हैं और कार्डिक एग्जामिनेशन वो भी सारा आज होगा, और अभी स्थिति स्टेबल है। राइट नाउ नथिंग टू वरी, बट बिकॉज ब्लड शुगर वर वेरी लो इट ड्रॉप डाउन टू 37, सो दैट वॉज वेरी सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया विद लो सोडियम लेवल आल्सो। उनका सोडियम लेवल भी काफ़ी कम हो गया था, 127 सोडियम था और ब्लड शुगर 37 तक ड्रॉप हो गया था, इसलिए ये काफ़ी जब हम कहते हैं कि जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे हो जाते हैं तो उसका असर ब्रेन पे होता है और पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, तो हमने उनको सलाह दी कि आप तुरंत इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और तुरंत भर्ती होना चाहिए। उनको IV फ्लूड्स दिया, डेक्सट्रोज दिया, उसके बाद उनका जो ब्लड शुगर है अभी सामान्य है।